माँ बाप के पैर पकड़े मिन्नतें कर की लव मैरिज अब जान का दुश्मन बना पति। सुनिए महिला की दर्द भरी दास्तां। खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से है, जहां सोमवार को अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक महिला ने अपनी दर्द भरी दास्तां मीडिया को सुनाते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। शहर की तुलसी नगर कॉलोनी के रहने वाली महिला ने बताया कि धौलागढ़ गांव के सरपंच के लड़के ने 8 साल पहले उसके माँ बाप के पैर पकड़कर मिन्नतें कर उससे लव मैरिज की। शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 7-8 माह पहले पति और ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, पति ने बिना उसके तलाक दिए दूसरी महिला से शादी कर ली। महिला ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्यवाही और बच्चों के पालन पोषण के लिए खर्चा दिलाए जाने की मांग की है। सुनिए महिला की दर्द भरी दास्तां। कहाँ रहते हो? शिवपुरी, तुलसी नगर शिवपुरी में रहते हैं। मायका है आपका? हाँ, यहीं पर मायका है और ससुराल धौलागढ़ में। अच्छा, तो सर क्या? मतलब मुझे ऐसे मतलब सर मुझे मोती जला निकले थे, बीमार बहुत थी, ऐसे मतलब मरने में जीने में कुछ नहीं था, जैसे कि मतलब अभी मरती हूँ कि कल मरती हूँ, ऐसा ऐसी हालत थी मेरी। यहाँ क्या समस्या लेकर आए थे? यहाँ पर साहब से मिलने आए हो ना आप? हाँ, साहब से मिलने आई हूँ। जो मतलब मेरा सामान है वो दिलवा दो, वो मतलब मेरे बच्चों का कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खर्चा पानी दिलवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। किससे? और सर उन्होंने कुछ मतलब तलाक भी नहीं दिया, मतलब ऐसे शादी कर ली और मुझे मार फूट के ऐसे भगा दिया और धमकी देते हैं कि कभी लौट के आ गई ना बच्चों के साथ में तुझे भी मारूंगी, तेरे बच्चे को भी मार के जमीन वहाँ पर खेत में गाड़ दूंगी। कौन क्या था? ये मेरी सास और मेरा मतलब मेरी सास और मेरा पति। क्या नाम पति का? मतलब पति का नाम है करण मोगी, आदिवासी। ससुर का नाम पिट्टू सरपंच है। और सास? सास का नाम राजू भाई। तो आपके पति ने कहाँ पर शादी की है? मतलब सर हमने ऐसे मतलब शादी करी है, हमने स्वास्थ्य प्रास से शादी करी थी, लड़के की मर्जी से करी थी। और मतलब मेरे माता पिता के आके ने पैर पकड़ लिया, तो उसने बोला था कि मैं मर जाऊंगा, तुमने शादी नहीं की, तो अगर आपकी लड़की मतलब ऐसे हम स्कूल में पढ़ते थे सर, तो मेरे को बहुत परेशान करता रहता था, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, और ये देखो ना, तो एक बार तो सर मेरे। अच्छा, तो मतलब स्कूल के ज़माने से वो आपको जानते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप दोनों? नहीं सर, वो स्कूल में नहीं पढ़ता था, वो गाड़ी ड्राइवर है। अच्छा, गाड़ी ड्राइवर है, वो मुझे बहुत परेशान करता था, तो उन्होंने बोला कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगा और इल्ज़ाम पूरा तुम्हारे ऊपर आएगा। उन्होंने चालबाजी खेली हमारे साथ में, तो शादी कर ली, मेरी ज़िंदगी ख़राब करके अब दूसरी शादी कर लाया।